नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इसके क्लासेस में। और जो इससे पहली वाली हमारी क्लास थी, लास्ट प्रीवियस वीडियो था, वो हमारा था किंग लेयर के बारे में। और मैंने आपको उसमें भी बताया था कि हर ट्रेजेडी का एक क्या होता है, थीम होता है, उसका बेस होता है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी लास्ट ट्रेजेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर, दैट वॉज मैकबेथ। मैकबेथ के बारे में आज हम जानेंगे, मैकबेथ पढ़ेंगे। एंड मैकबेथ वॉज पब्लिश्ड इन 1606, 1606 में पब्लिश हुई थी मैकबेथ। और जैसे कि हमने पीछे वाली ट्रेजडी में पढ़ा था, जो हमने किंग लेयर के बारे में पढ़ा, दैट वॉज द ट्रेजडी ऑफ ऑनर, ट्रेजडी ऑफ ऑनर के बारे में थी, इनग्रेटिट्यूड ऑफ चिल्ड्रन के बारे में थी, कि बच्चे कैसे आसान फरामोश हो जाते हैं। और वो जो हमारा किंग लेयर था, उसकी तीन बेटियां थी, गोनरिल, रीगन और कॉर्डिलिया, कैसे वो उसको डिसरिस्पेक्ट करती है, और उसका थीम क्या बन जाता है, इन ग्रेटिट्यूड ऑफ चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे मैकबेथ के बारे में। और इसका भी बेस्ट थीम है, जैसे कि उन ट्रेजडियों का थीम था, तो इसका भी कोई ना कोई थीम है। तो इसका थीम है एम्बिशन। इसका थीम हम क्या पढ़ेंगे, एम्बिशन है, कि जब व्यक्ति ज़्यादा एम्बिशियस हो जाता है तो वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा क्राइम की तरफ बढ़ जाता है। वो अनजाने में ऐसे ऐसे अपराध कर देता है जिसका बाद में उसको क्या करना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है। तो दिस मैकबेथ इज ट्रेजडी अबाउट एम्बिशंस एंड इविल एम्बिशन। इविल्स मतलब बुराई का, एम्बिशन अच्छे भी हो सकते हैं और एम्बिशन है बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन मैकबेथ में जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो ट्रेजडी है वो एम्बिशियस, इविल एम्बिशियस के ऊपर बेस्ड है। तो जब ये प्ले शुरू होता है तो ये सारा प्ले मैकबेथ के ऊपर आधारित है। मैकबेथ कौन है, हीरो ऑफ द स्टोरी, जो क्या है, एक योद्धा है, वॉरियर है और आर्मी जनरल है। किसकी आर्मी के अंदर, किंग डंकन। जो किंग डंकन है वो स्कॉटलैंड का किंग है। स्कॉटलैंड का किंग कौन है, किंग डंकन। साथ के साथ हम करेक्टर भी करते रहेंगे क्योंकि हमें याद, ताकि हमें याद रहे और हमारी जो इससे सीक्वेंस है या हमारा जो इससे अंडरस्टैंडिंग है वो बनी रहे। किंग डंकन जो स्कॉटलैंड का किंग है, उसका एक जर्नल है, आर्मी जर्नल है, जिसका नाम क्या है, मैकबेथ है, बड़ा बहादुर है। जब प्ले स्टार्ट होता है तो थ्री विचेज है वो सॉन्ग गा रही होती हैं, और दैट सॉन्ग वॉज व्हाट दे वर सिंगिंग, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। जो कोटेशन है ये बहुत बार एग्जाम में पहले भी आ चुकी है कि फेयर इज फाउल और फाउल इज फेयर, कोटेशन कहाँ से लिया गया है, तो ये विलियम शेक्सपियर की जो मैकबेथ ट्रेजडी है उसमें लिया गया है। जब प्ले स्टार्ट होता है तो ये कोटेशन बोली जाती है, फेयर इज फाउल और फाउल इज फेयर। जब जो मैकबेथ है वो एक युद्ध जीत कर जब रास्ते में आ रहा होता है, और उसके साथ कौन होता है, उसका फ्रेंड बैंक्यू। जो बैंक्यो है वो किसके साथ आ रहा होता है, मैकबेथ के साथ। उन्होंने एक युद्ध जीता है, और वो युद्ध जीतने के बाद एक जंगल से गुजरते हैं, और बड़ी तूफानी रात है, और उस वक्त वो सुनते हैं कि कोई जो है सॉन्ग गा रहा है, कोई किसी प्रकार का सॉन्ग गाया जा रहा है जंगल के अंदर। तो वो जब देखते हैं तो वह सॉन्ग कौन सा होता है, फेयर इज़ फाउल और फाउल इज़ फेयर। और थ्री विचेज हैं, जो तीन चुड़ैलें हैं, वो इस सॉन्ग को गा रही होती हैं। और जब उनसे जो हमारे मैकबेथ हीरो ऑफ द स्टोरी है वो उनसे मिलते हैं, तो वो एक प्रेडिक्शन करती है, प्रोफेसी करती है, भविष्यवाणी करती है। और वो मैकबेथ को मैकबेथ के नाम से नहीं बुलाती है, उसे वो किस नाम से बुलाती है, थेन ऑफ कॉडर, थेन ऑफ कॉडर और ग्लिम्स ऑफ कॉडर, थेन ऑफ कॉडर और ग्लिम्स ऑफ कॉडर के नाम से बुलाती है। जिसका मतलब है कि जैसे कि मैकबेथ आर्मी के अंदर जनरल है, वो जल्द ही क्या बनेगा, थेन ऑफ कॉडर बनेगा, और उसके बाद ग्लिम्स ऑफ कॉडर यानी कि राजा भी क्या बनेगा, स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। उसके बाद वो एक और भविष्यवाणी करती है कि बैंक्यू का बेटा है वो भी बाद में क्या बनेगा, राजा बनेगा। तो इस प्रकार की जब भविष्यवाणी करती है तो मैकबेथ उनसे पूछता भी है
कि ये क्या ये सच है, तो वो कहती है कि आने वाले समय में ऐसा कुछ होगा। इसके बाद जो मैकबेथ है वो चला जाता है और राजा के पास पहुंचता है, तो उसका स्वागत किया जाता है बड़े प्रेम से। उसके बाद जब शाम को जो हमारा हीरो मैकबेथ है वो घर पहुंचता है और ये बात अपनी पत्नी को बताता है। उसकी पत्नी का नाम क्या है? लेडी मैकबेथ। और बहुत बार क्वेश्चन ये भी एग्ज़ाम में आता है कि तीन विचेज है, तो वो तीन विचेज तो चुड़ैलें होगी, इसके अंदर फोर्थ विच भी है, तो फोर्थ विच किसको माना गया है? लेडी मैकबेथ को। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में कि मैकबेथ के अंदर थ्री विचेज है लेकिन उसमें चौथी विच भी किसी को माना गया है, तो लेडी मैकबेथ को हमने क्या माना है? चौथी विच माना है, क्योंकि इसके भी जो कार्य हैं वो बड़े घिनौने अपराध हैं इस प्ले के अंदर, बड़े हीनियस क्राइम करती है लेडी मैकबेथ। और जब जो हमारा हीरो स्टोरी मैकबेथ है वो सारी कहानी बताता है कि जब मैं जंगल से गुजर रहा था तो मेरी मुलाकात तीन विचेज से हुई और उन्होंने मुझे कहा है कि मैं थेन ऑफ कॉडर या ग्लिम्स ऑफ कॉडर बनूंगा। तो लेडी मैकबेथ है वो कहती है कि भविष्यवाणी की है तो ये सच ज़रूर होगा, और ये सच हो भी सकता है। और उसके बाद जैसे वो बातचीत कर रहे होते हैं तभी एक व्यक्ति वहाँ पहुँचता है जो अनाउंसमेंट करता है कि राजा ने मैकबेथ को क्या बना दिया है? थेन ऑफ कॉडर। जैसे ही ये भविष्यवाणी जो चुड़ोले ने की थी वो भविष्यवाणी सच सिद्ध होती है, तो अब मैकबेथ और लेडी मैकबेथ को भी लगता है कि जो जल्द ही मैकबेथ क्या बन जाएगा? राजा बन जाए, वो भी भविष्यवाणी सच सिद्ध होगी। तो उसके बाद जो मैकबेथ है वो राजा को अपने कैसल पे इनवाइट करता है कि राजा साहब आपने मुझे थेन ऑफ कॉडर बनाया तो आपको मैं एक पार्टी देना चाहता हूँ। और वहाँ पे बहुत बड़ा एक पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है। जो लेडी मैकबेथ है वो वेरी एम्बिशियस लेडी होती है, इसीलिए इसको फोर्थ विच भी कहा गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्रिमिनल माइंड किसका होता है? लेडी मैकबेथ का। और वो हमारे जो हीरो ऑफ द स्टोरी है मैकबेथ है उसको कहती है कि क्यों ना हम राजा को अपने घर बुलाकर क्या कर दें? उसका मर्डर कर दें। तो मैकबेथ कहता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो तो मेरे राजा हैं। लेकिन वो लेडीज़ कहती है कि नहीं, आपको ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि भविष्यवाणी हुई है। और यहाँ तक भी वो भविष्यवाणी लेडी मैकबेथ यहाँ तक कि उसकी जो बहादुरी है उसको चैलेंज करती है और कहती है अनसेक्स मी। ये वर्ड आया था, ये बहुत बार नेट में भी आया है, एग्ज़ामों में बहुत बार आया है कि किसने कहा था कि अनसेक्स मी? तो लेडी मैकबेथ ने कहा था कि मैं ये तो मैं महिला हूँ, अगर मैं तुम्हारी तरह, अगर मैं मैन होती, अगर मैं तुम्हारी तरह लेडीज़ ना होकर मैन होती तो मैं उसका मर्डर खुद कर देती, तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं थी। इस प्रकार वो किसको चैलेंज करती है? थेन ऑफ कॉडर जो हमारे मैकबेथ है उनको चैलेंज करती है। उसके बाद चैलेंज करने के बाद कहता है कि ठीक है, अगर तुम इतना ही कह रही हो तो हम क्या कर देंगे? उसका मर्डर कर देंगे। तो रात को राजा की बड़ी सेवा पानी की जाती है, उसको खुलाया पिलाया जाता है, और रात को एक तलवार लेकर जो मैकबेथ है उसको मारने के लिए उसके बेड के पास जाता है, तो उसको मारना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उससे मारा नहीं जाता, वो वापस आ जाता है। तो लेडी मैकबेथ कहती है इसकी चलो मैं ट्राई करती हूँ। जब वो मारने जाती है तो उससे भी मर्डर वो नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी शक्ल है जो किंग डंकन की शक्ल है उसके फादर से रिजेंबल करती है, तो वो सी कुड नॉट किल हिम मोर, उसको मार नहीं पाएगी। देन सी इंसिस्टेड हर हस्बैंड मैकबेथ टू किल हिम एनी हाउ। तो उसके बाद वो पूरा दबाव बनाती है मैकबेथ पे, एंड लास्ट एंड फाइनली मैकबेथ किल्ड डंकन, और मैकबेथ है वो डैगर से ही स्टैब्ड किंग अगेन एंड किल्ड हिम, और वहीं डैगर रख के वो वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद लेडी मैकबेथ आती है और उस डैगर को उठा के कहाँ रख देती है? जो बाहर गार्ड होते हैं जो बेहोश होते हैं और दे ड्रग्ड बाय मैकबेथ, उनको नशा दिया होता है, वो बेहोश पड़े होते हैं, उनके पास वो डैगर रख देती है, और जो उसके खून के हाथ भरे होते हैं वो सब हाथ किसके ऊपर पहुंच देती है? जो गार्ड वहाँ पर
गिरे होते हैं उनके ऊपर पहुंच देती है, ताकि संदेह है जो मर्डर का, राजा का जो कत्ल हुआ है उसका जुम्मा किसके सर पे मंडा जाए, उन्हें गार्ड्स के। और हमें वो देखते भी हैं इसके अंदर। मैंने पहली प्रोअब तो आपको बता दी कि पहली लाइन है फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर। ये बहुत बार एग्जाम में आई है और इसको सबसे पहले जब हमारा मैकबेथ शुरू होता है तो ये स्टार्टिंग लाइन है। और कौन कहती हैं विचेज, उसके बाद ये नेक्स्ट दिया था ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया कैन नॉट स्वीटन द लिटल हैंड्स, कैन नॉट स्वीटन द लिटल हैंड्स। कि जो लेडी मैकबेथ है जब मर्डर करने के बाद जो तलवार होती है उसको उठाती है तो उसके हाथों पे क्या लग जाता है, खून लग जाता है। और पूरे प्ले के अंदर वो हाथ अपने हैंड वॉश करती रहती है, हाथ धोती रहती है, लेकिन उसको क्या दिखाई देते हैं, अपने हाथ पे खून के छींटे। तब वो इस प्रोब का इस्तेमाल करती है, कहती है कि ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया कैन नॉट स्वीटन द लिटल हैंड्स। कहती है कि अरेबिया का सबसे मशहूर इत्र है, वहाँ की एक बूंद की भी बहुत खुशबू होती है, अगर सारा अरेबिया का परफ्यूम भी मेरे हाथों पे लगा दिया जाए तो भी ये खून के निशान है वो धुप नहीं सकते या उनको खुशबू में नहीं बदला जा सकता। तो ये प्रोवर्ब वहाँ यूज़ होती है। और मैं आपको थोड़ी सी और जानकारी दे दूँ, जैसे कि हम फिगर ऑफ स्पीच करेंगे, जैसे फेयर इज़ फाउल, फाउल इज़ फेयर, वर्ड सेम है लेकिन उल्टा कर दिया गया है, तो इस फिगर ऑफ स्पीच को हम क्या बोलते हैं, क्याज मस, क्याजमस फिगर ऑफ स्पीच है। दूसरी है ऑल परफॉर्म्स ऑफ अरेबिया कैन नॉट स्वीटन द लिटल हैंड्स, तो इसको बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। तो ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है हमारी, हाइपरबॉल, हाइपरबली या हाइपरबॉल हमारी फिगर ऑफ स्पीच है। तो ये बहुत बार एग्जाम में एज ए फिगर ऑफ स्पीच भी आ जाती हैं और कोटेशन के रूप में आ जाती है कि इसका मतलब क्या है। तो मैंने आपको बता दिया कि इस प्रकार किंग डंकन का क्या कर दिया जाता है, मर्डर कर दिया जाता है। और जो जैसे ही मर्डर करते हैं तो एक भविष्यवाणी होती है कि नो मोर स्लिप, नो मोर स्लिप, ये वर्ड उसमें यूज होता है, नो मोर स्लिप, कि आज के बाद कोई भी जो भी इस मर्डर में शामिल है वो सो नहीं पाएगा। और हम देखते हैं कि लेडी मैकबेथ है वो स्लिप वॉकिंग डिसीज हो जाती है उसको, वो नींद में चलती रहती है। और मैकबेथ है वो भी सारी रात सो नहीं पाता है, वो सोचने में ही रात गुजार देता है। इस प्रकार जो हमारा हीरो है वो क्या बन जाता है, स्कॉटलैंड का किंग बन जाता है। और सारा जो दोष होता है डंकन को मारने का वो किस पे डाल दिया जाता है, गार्ड्स को। और उसी के साथ जो मैकबेथ है उन गार्ड्स की भी क्या कर देता है, हत्या कर देता है। वो कहता है कि राजा की हत्या किसने की है, गार्ड्स ने की है। इस प्रकार प्ले चलता रहता है। और बाद में जो मैकबेथ है उसको भी थोड़ा डाउट हो जाता है कि आर्मी के अंदर एक और जनरल है मैकडफ, मैकडफ भी एक बहादुर जनरल है, और उसे लगता है कि वो उसका विद्रोह कर सकता है, तो क्यों ना वो मैकडफ को मार दे। और उसके जो राजा के दो बेटे होते हैं मैकलम और डोनाल्ड बेन, उनको भी मार दे। तो उनको मारने के लिए जैसे ही वो आर्मी भेजता है तो मैकलम और डोनाल्ड बेन को लेकर मैकडफ वहाँ से निकल जाता है। तो उसके बाद मैकबेथ यहाँ तक कि अपने मित्र बेंक्यू की भी क्या कर देता है, हत्या कर देता है। और एक दिन जो हमारा मैकबेथ हीरो है वो किसके पास जाता है, चुड़ैलों के पास दोबारा जाता है और उनसे पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। तो वो उसे दो बातें बताती है कि पहली बात तो ये है कि कोई भी नॉर्मल व्यक्ति जो नॉर्मल बर्थ से वो तुम्हारी हत्या नहीं कर सकता, और दूसरी बात है कि जो ब्रेबेन के जंगल है वो अगर वुड्स है, ब्रेबेन के जंगल अगर वो चलकर आएंगे तो तुम्हारी हत्या निश्चित है, नहीं तो तुम्हारी हत्या कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता। और जब हम अंत में देखते हैं कि मैकडफ है वो सेना को लेकर हमला करने के लिए इसके राज्य पे, मैकबेथ के राज्य में प्रवेश करता है, तो जो इसके सिपाही होते हैं वो उस जंगल से जब गुजरते हैं तो उसकी टहनियाँ तोड़ लेते हैं।
तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे जब वो सिपाही वहाँ से चलते हैं तो ऐसे लग रहा है कि जंगल ऑफ ब्रेबियन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो पहली हमारी ये जो विचिज की प्रोफेसी थी वो सिद्ध हो जाती है, और अंत में जब मैकडब और मैकबेथ की फाइट होती है तो मैकबेथ कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि चुड़ैलों ने क्या प्रोफेसी की है कि नॉर्मल बर्थ का व्यक्ति मुझे मार नहीं सकता। तो मैकडब बताता है कि आई एम प्री रिपन बोर्न, हाफ रिपन एक वर्ड आता है, आप राइप समझते हो पकना, और हाफ रिपन मतलब प्री मेच्योर बर्थ, जिस बच्चे का जन्म 9 महीने से पहले ही हो जाता है और उसका बर्थ भी नॉर्मल नहीं होता है, ऑपरेशन द्वारा, सीजेरियन ऑपरेशन द्वारा होता है, तो वो नॉर्मल बर्थ नहीं है, इसलिए वो क्या कर देता है, मैकबेथ की हत्या कर देता है अपनी तलवार से, क्योंकि दोनों प्रोफेसी उसमें सिद्ध हो जाती है। एक तो वो साइजेरियन है, हाफ रिफन बच्चा है जिसका जन्म पहले ही हो जाता है, और दूसरा जो वुड थे, ब्रेबियन के जंगल थे, वो भी चलकर वहाँ आते हैं। इस प्रकार हमारा हेमलेट प्ले है, चलता रहता है, और अंत में जो मैकडफ है वो किसकी हत्या कर देता है, मैकबेथ की, और लेडी मैकबेथ है वो भी स्लीप वॉकिंग डिसीज हो जाती है और उसकी भी हत्या अपने आप, वो अपने आप की क्या कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है। इसके अलावा मैंने ये दोनों प्रोव बता दी कि जब प्ले शुरू होता है तो हमारी कौन सी कहावत होती है, फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर, दिस सॉन्ग इज संग बाय थ्री विचिज, और एक और क्वेश्चन कई बार आता है कि जो मेन विचिज है उसका नाम क्या होता है, तो वो हेक्टिक, हेक्टे हेक्टे विच है, जो तीन विचिज थी उनके अंदर जो मुख्य विच है उसका क्या नाम था, हेक्टे, हेक्टे विच था। और मैंने फोर्थ विच के बारे में बता दिया कि लेडी मैकबेथ को क्या माना गया है, फोर्थ विच। उसके बाद जब अंतिम समय होता है मैकबेथ का, जब वो एक प्रो और बोलता है, लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइज नथिंग, कि जीवन है वो एक इडियट द्वारा कही गई कहानी है, क्योंकि उसने जो अपराध किए थे उनकी उसको अंत में क्या मिलती है, सजा मिलती है। तो लाइफ इज ए टोल्ड बाय एन इडियट, ये किसने कहा है, हमारे मैकबेथ हीरो ने कहा है। दूसरा ये भी एक पूरा सेंटेंस उस हमारे प्ले के अंदर यूज होता है, वर्ड्स डन कैन नॉट बी अनडन, जो हो गया है, जो अपराध हो गया है उसको अब कुछ नहीं किया जा सकता, जो गलती हमसे हो गई है अब उसको बदला नहीं जा सकता है, वट कैन बी डन दैट कैन नॉट बी अनडन, जो हमसे बुरा काम हो गया है अब उसको सुधारा नहीं जा सकता, ये शब्द किसने कहे हैं, मैकबेथ ने। तो इस प्रकार हमारा प्ले है, ये मैंने इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दी कि ये किस पे बेस्ड है, इविल एम्बिशंस पे बेस्ड है, और जिसमें मुख्य हीरो क्या है, हमारा मैकबेथ है और लेडी मैकबेथ। सो साथियों आज के लिए इतना ही, इस प्रकार हमने चारों की चारों जो ट्रेजडी है विलियम शेक्सपियर की कंप्लीट कर ली है, और इसके बाद अगर इम्पोर्टेंट कोई हुई तो मैं आपको आगे भी कुछ करवा दूंगा, और हमारी क्लासेस इसी तरह जारी रहेंगी। टिल देन टेक केयर।